हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको राइट इशू और आईपीओ में कैसे अप्लाई करना होता है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी राइट इशू के ऊपर। एंड अभी हम सबसे पहले चलेंगे अपनी डेस्कटॉप साइट पे। यदि आप मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो आप डेस्कटॉप साइट पे अपनी नेट बैंकिंग खोल सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा, HDFC की नेट बैंकिंग मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है। आप अपनी बैंक का नेट बैंकिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे पहले आप अपनी डेस्कटॉप साइट पे वो लिंक यहाँ पे ओपन कर लीजिए जो आपकी नेट बैंकिंग है। ICICI वाले अपना कर लीजिए। आपको ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग एंड अपस्टॉक से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं रहता है। ASBA मेथड में, नेट बैंकिंग मेथड में, जब भी हम राइट इशू को अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल बैंक की नेट बैंकिंग को ऑन करना होता है। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे ही नेट बैंकिंग को ऑन करेंगे, आपको साइड में दिख रहा होगा एक इन्वेस्ट सेक्शन होगा। आप जैसे ही उस इन्वेस्ट सेक्शन में पुटअप करेंगे, आप यहाँ पे ओके करेंगे, तो इन्वेस्ट सेक्शन के नीचे भी आएगा एक ऑप्शन IPO एप्लीकेशन थ्रू ASBA मेथड। इस तरह का एक आपको यहाँ पे मॉड्यूल आता है, उस पर आपको सिंप्लीफाई क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको वो पूरी प्रोसेस स्क्रीन के साइड में भी दिखाई दे रही होगी। जैसे ही आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, साथ साथ यहाँ पे दिखाई देता है IPO एंड राइट इशू। तो आप उस पर भी सिंपली क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो IPO में अप्लाई करने का होता है, दूसरा जो ऑप्शन होता है वो राइट इशू या कॉल मनी उसमें अप्लाई करने का होता है। यदि आप राइट इशू में अप्लाई करते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ पर HDFC नेट बैंकिंग में जा सकते हैं, बट यदि आप IPO में इशू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं, आपको सबमिट का बटन यहाँ पे आगे ले जाएगा। एंड सबमिट के बटन से हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आएगा आपको अप्लाई एंड चूज डिपोजिटरी। अप्लाई तो होने ही वाला है, एंड साथ में यहाँ पे आपको डिपोजिटरी चूज करने को बोला जाएगा। उसमें दो ऑप्शन होंगे, CDSL एंड SDL। CDSL यहाँ पे ज़ीरोधा वाले यूज करें। एंड जब भी आप अपनी वो ज़ीरोधा या स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग जिस भी आप अकाउंट पे करते हैं अपना, उससे आप जिससे भी खरीदारी करते हैं, राइट इशू अप्लाई करते हैं, आपको उसमें चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो NSDL सपोर्ट है या CDSL सपोर्ट है। यहाँ पे दो ही डिपोजिटरी है। ज़ीरोधा वाले यहाँ पे CDSL को लेते हुए चलेंगे। एंड CDSL को जैसे हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, आपको डिपोजिटरी में उसका फर्म का नाम डालना होगा जिसका आपके अकाउंट का लिंक अप है, तो वहाँ पर आप डालेंगे CDSL। यहाँ पर चूज करने के बाद आप डालेंगे ज़ीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड, जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया है। या ये भी आपको अपनी उसी ID से निकाल लेना है जिसमें आपका अकाउंट ओपन है। ज़ीरोधा वाले अपना सा निकालें, एंड यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग वाले अपनी ID पे जाके लॉगिन करके वहाँ से ये सारी चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें हैं वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको एक ऑप्शन नीचे आएगा बैंक बेनिफिशियरी, उस पर आपको DP ID जो रहती है 16 से 17 डिजिट की वो वहाँ पे फिल करनी होती है। देन आपको नीचे ब्लिंक अप होगा, नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भी अभी डालनी होगी। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप अपनी कंप्लीट डाल देते हैं तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, उसमें ये डालना होता है कि आपको कितने राइट इशू के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे मैंने ये वाला जो राइट इशू ओपन कर रखा है, इसमें एक राइट इशू के लिए ₹10 अभी आपको पे करने होंगे। मैं यहाँ पर सिंपली अभी आपको यहाँ पर 5000 पुट अप करके दिखाई देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5000 पुट अप किए, एंड 5000 के बाद यदि आप यहाँ पे देखें तो वो यहाँ पे साफ 5000 आ चुका है। ये अमाउंट उसी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक शेयर के लिए ₹10 लगेंगे, यदि आप 5000 शेयर डालेंगे तो ₹50,000 आपको देने होंगे। सिंपली एक्सेप्ट के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, एंड देन आपका ये राइट इशू यहाँ पे कंप्लीट फिल हो जाता है। इस तरह देखा, यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो शेयर करें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।